कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेल भी बहुत ज़रूरी है। इसी को देखते हुए आप देखे होंगे कि आपके आसपास के स्कूलों में खेल का मैदान ज़रूर होगा। पूरे भारत में ऑफिशियली 14.9 लाख स्कूल्स हैं, जिनमें से 11.5 लाख स्कूलों के पास ही खेल के मैदान मौजूद है, बाकी बचे स्कूलों में खेल का मैदान है ही नहीं। अब हम देखेंगे कि किस स्टेट्स में सबसे ज़्यादा स्कूलों में खेल के लिए कोई भी मैदान उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले नंबर पर आता है बिहार, जहां के सिर्फ 49.8% स्कूलों में ही खेल के मैदान उपलब्ध है, यानी 50% से भी ज़्यादा स्कूलों में खेल का मैदान उपलब्ध है ही नहीं। दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर, जहाँ के 61.8% स्कूलों में खेल के मैदान उपलब्ध है और बचे स्कूलों में खेल के मैदान है ही नहीं, यानी यहाँ पे 39.कुछ स्कूलों में खेल के मैदान मौजूद नहीं हैं। तीसरे नंबर पे आती है ओडिशा, जहाँ के 64% स्कूलों में खेल के मैदान उपलब्ध है, यानी 35% स्कूलों में अभी भी खेल के मैदान मौजूद ही नहीं है। वहीं वेस्ट बंगाल में 66% स्कूलों में खेल के मैदान मौजूद है और इसके अलावा बाकी स्कूलों में खेल के मैदान है ही नहीं। झारखंड में ये आंकड़ा 71% तक है, यानी वहाँ के 71% स्कूलों में खेल के मैदान मौजूद है, बाकी बचे 29% स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। तेलंगाना, जहाँ के 73% स्कूलों में खेल के मैदान मौजूद है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, जहाँ के 76.2% स्कूलों में खेल के मैदान मौजूद है। अब आइए हम उन राज्यों को देखते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कूलों में खेल के मैदान मौजूद है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है पंजाब, जहाँ के 97% स्कूलों में खेल के मैदान मौजूद है। वहीं दूसरे नंबर पे है दिल्ली, जहाँ के 96.5% स्कूलों में खेल के मैदान मौजूद हैं। तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, जहाँ के 93.1% स्कूलों में खेल के मैदान मौजूद है। गुजरात 88.2%। तो सोचिए दोस्तों, जब भारत के 3.4 लाख स्कूलों में खेल का मैदान है ही नहीं, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ओलंपिक में हम दूसरे देशों के मुकाबले में ज़्यादा मेडल लाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को शुरू से ही खेल के मैदान को अवेलेबल कराएं, ताकि जो बच्चा जिस खेल में रुचि रखता हो वह उसमें आगे बढ़े। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।